भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम में वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। मैच से पहले यहां जमकर बारिश हुई, लेकिन खेल अपने वक्त पर शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स ने अपना कहर बरपाया, जिसके आगे भारतीय टीम पूरी तरह से पस्त हो गई। मिशेल स्टार्क की रफ्तार के आगे भारतीय टीम पत्तों की तरह ढह गई और देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर सिर्फ 49 के स्कोर पर 5 विकेट हो गया था। विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारत के लिए रोहित शर्मा टीम में वापसी कर रहे थे, ऐसे में उम्मीद थी कि यहां बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है, लेकिन टीम इंडिया की सारी रणनीति धरी रह गई। पहले ही ओवर से मिशेल स्टार्क ने ऐसा कमाल किया कि टीम इंडिया के लिए वापसी करना मुश्किल हो गया। पहले ओवर में शुभमन गिल आउट हुए, फिर पांचवें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा भी अपना कैच थमा बैठे। इसके अगली बॉल पर ही सूर्य कुमार यादव LBW आउट हुए। ये लगातार दूसरा मौका है जब सूर्य कुमार यादव पहली बॉल पर ही आउट हुए हैं। हार्दिक पांड्या का विकेट शॉन एबेट ने लिया। बता दें कि आज के मैच में विराट कोहली भी सिर्फ 31 रन बनाकर आउट हो गए।